हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपनी वाइंड अप के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने कंपलसरी वाइंड अप, इट मींस वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से कंपनी का वाइंड अप किया जा सकता है। आज हमारे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हु कैन अप्लाई फॉर वाइंड अप। कंपनी के परिसमापन के लिए आवेदन कौन कर सकता है, ट्रिब्यूनल की पावर्स क्या होती हैं, अधिकरण की शक्तियां क्या होती हैं, उसे लेकर क्या डायरेक्शंस होते हैं और भी आवश्यक बातें जो कंपनी के परिसमापन के लिए जरूरी हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हु कैन अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप, ये हम कंपलसरी वाइंड अप पढ़ रहे हैं, वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल पढ़ रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले कि परिसमापन के लिए आवेदन कौन कर सकता है, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 272 में बताया गया है। फर्स्ट, पिटीशन बाय कंपनी, कंपनी के द्वारा भी आवेदन किया जाता है, जो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो कि सेक्शन 272 सबसेक्शन 1A में बताया गया है। कंपनी के द्वारा जो पिटीशन दायर की जाती है उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लाया जाता है, विशेष प्रस्ताव लाया जाता है और उसके आधार पर उस विशेष प्रस्ताव जो कि मेजॉरिटी बेसिस पर होता है, उसके आधार पर जो कंपनी है वो परिसमापन के लिए आवेदन करती है। यदि कंपनी की स्थिति खराब हो, वो इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ रही हो या लगभग इंसॉल्वेंट होने पर हो, तो इस तरह के विशेष प्रस्ताव को लाने की भी आवश्यकता नहीं है। इंसॉल्वेंसी स्टेज पर बिना विशेष प्रस्ताव लाए भी कंपनी डायरेक्टर जो हैं कंपनी के परिसमापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेकंड, क्रेडिटर्स पिटीशन, जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी के ऋणदाता जो होते हैं, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, परिसमापन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 272 सबसेक्शन 1B में बताया गया है। लेकिन यदि मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ऋणदाताओं का बहुमत इसके विरुद्ध है, वो नहीं चाहता कंपनी का परिसमापन किया जाए, तो अधिकरण द्वारा इस तरह का आदेश जारी नहीं किया जाएगा। एंड द थर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूटर्स पिटीशन, जो कंपनी के सहभागी हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो भी कंपनी के परिसमापन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 272 सबसेक्शन 1C में बताया गया है। कुछ एग्जांपल, कुछ कंडीशन हमने ली हैं। लेस देन मिनिमम नंबर, अगर वो आवेदन करते हैं, क्यों आवेदन करते हैं, यदि न्यूनतम सदस्य संख्या, जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि न्यूनतम सदस्य संख्या पब्लिक कंपनी के लिए 7 और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 उससे कम चली जाती है, तो जो मेंबर्स हैं वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, परिसमापन संभव है। सेकंड, डिविडेंड नॉट गिवन, कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कंपनी के मेंबर्स को लाभांश अगर नहीं दिया जा रहा है और वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, मिनिमम 6 मंथ, मतलब कम से कम 6 महीने तक उसने उस शेयर को धारण कर रखा है और उसे लाभांश जारी नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे मेंबर्स, ऐसे शेयर होल्डर्स कंपनी परिसमापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज फेल्ड, कल हमने
हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में सबस्ट्रेटम के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। कंपनी आरंभ करने का कोई आधार होता है, कंपनी आरंभ करने का कोई विषय होता है, यदि वो आधार ही समाप्त हो जाए, वो ऑब्जेक्ट ही फेल हो जाए, तो भी कंपनी के मेंबर्स कंपनी परिसमापन के लिए, कंपनी वाइंडअप के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज रजिस्ट्रार पिटीशन। रजिस्ट्रार के, कंपनी रजिस्ट्रार के आवेदन पर भी कंपनी का परिसमापन किया जाता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। यदि कोई कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिल करने में फेल हो जाती है, उसमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना फिल नहीं करती है, जो उसका वार्षिक वित्तीय विवरण है, तो रजिस्ट्रार इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसकी क्या कंडीशंस हैं वो मैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, और ये बताया गया है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 272 सबसेक्शन 1E के अंदर। और फिफ्थ पॉइंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट्स पिटीशन। केंद्र सरकार के आवेदन पर भी कंपनी का परिसमापन किया जा सकता है, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 272 सबसेक्शन 1F में बताया गया है। वो किस तरह से होगा? रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 206। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसे इंस्पेक्टर के रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ऐसी कंपनी के परिसमापन के लिए आवेदन कर सकती है। वो इंस्पेक्टर कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, और ये पाया जाता है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है या कंपनी व्यवसाय संचालन आगे नहीं कर सकती है, तो ऐसी कंपनी के लिए, या वो कपटपूर्ण कृत्य कर रही है, तो ऐसी कंपनी के परिसमापन के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आवेदन कर सकती है। नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स पिटीशन। ऊपर हमने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट पिटीशन, और यहाँ पर राज्य सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यदि उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस उनके स्टेट में है, तो वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 272 सबसेक्शन 1G में बताया गया है। इस सेक्शन में हमने पढ़ा कि कौन कंपनी के परिसमापन के लिए आवेदन कर सकता है। 6 कंडीशन हमने, 6 आवेदक हमने, 6 पिटिशनर हमने आपको बताए हैं, जो कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 272 में बताए गए हैं। अब बाय द ट्रिब्यूनल वाइंड अप है, तो हमें ट्रिब्यूनल की पावर समझनी होगी, पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 273 में बताया गया है। कंपनी ट्रिब्यूनल को मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बहुत वाइड पावर्स दी गई हैं, बहुत वृहद शक्तियां हैं अधिकरण के पास में, अगर इस तरह का कोई अनिवार्य परिसमापन का आवेदन उसके पास में आता है, तो उसे जो भी उचित लगता है उस तरह के आदेश जो है कंपनी ट्रिब्यूनल जारी कर सकता है। कुछ पावर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, अनरीजनेबल पिटीशन। किसी पिटीशनर ने, किसी आवेदक ने अनरीजनेबल, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, इस तरह का कोई आवेदन अगर कर दिया है, तो कंपनी अधिकरण उसको कॉस्ट लगाएगा, ऐसे पिटीशनर को कॉस्ट लगाएगा। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चाहे तो इस तरह के आवेदकों को इंटरिम रिलीफ भी दे सकता है, उसकी अधिकार शक्ति में ये आता है। थर्ड, अपॉइंट प्रोविजनल लिक्विडेटर टिल कंपनी वाइंड अप। कंपनी के परिसमापन के लिए
लिक्विडेटर या परिसमापक की नियुक्ति आवश्यक है, जिसे भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चाहे तो ऐसे परिसमापक की नियुक्ति स्थायी या अस्थायी तौर पर कर सकता है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास इसका पावर है। एंड एनी अदर ऑर्डर फिट इन कंडीशन, और इस तरह के कोई अन्य आदेश जो उस कंडीशन के लिए, उन परिस्थितियों के लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं, इस तरह के आदेश कंपनी अधिकरण जारी करेगा, वो उसके अधिकार क्षेत्र में है, उसके शक्तियों में है। अब इस तरह के आदेश जो है आवेदन के 90 दिनों के अंदर कंपनी अधिकरण द्वारा दे दिए जाने चाहिए, विदिन 90 डेज। और अगर वो किसी लिक्विडेटर की, किसी परिसमापक की नियुक्ति करता है, तो इस बात की सूचना कंपनी के पास में, कंपनी रजिस्ट्रार के पास में चली जानी चाहिए। कंपनी को इस तरह का नोटिस पूर्व में मिल जाना चाहिए, पहले ही मिल जाना चाहिए। अल्टरनेट रेमेडी, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई विकल्पात्मक उपचार है तो ट्रिब्यूनल ऐसे आवेदन को रोककर वो विकल्पात्मक उपचार देगा, ऐसे ट्रिब्यूनल के पास में शक्ति है, ऐसा ट्रिब्यूनल के पास में पावर है। तो इस सेक्शन में हमने पढ़ा पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 273 में था। अब हम आगे चलते हैं, डायरेक्शंस टू दी कंपनी टू फाइल इट्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कंपनी के कार्यकलापों के विवरण का एक पत्र कंपनी को जारी करना होता है, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 274 में बताया गया है, जो परिसमापन के लिए परम आवश्यक है। यदि वाइंड अप की पिटीशन कंपनी के अलावा, अदर देन कंपनी, कंपनी के अलावा फाइल की गई है अन्य आवेदकों के द्वारा, ऐसा आवेदन किया गया है, तो उस कंपनी को जिसका परिसमापन होना है उसे 30 दिनों के भीतर अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देना होगा, अपने कार्यकलापों का विवरण देना होगा। ऑन कंपनी पिटीशन, अगर इस तरह का आवेदन कंपनी स्वयं करती है तो इस तरह का पत्र, इस तरह का विवरण पत्र, उसके कार्यकलापों का विवरण पत्र, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर उस पिटीशन के साथ में होना आवश्यक है। और अगर कंपनी उसके विरुद्ध में है कि उस जो परिसमापन का या उस आवेदन के विरुद्ध में अगर कंपनी है, तो भी कंपनी को इस तरह का जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो जारी करना होगा मांग किए जाने पर। ऑल डिटेल्स ऑफ द कंपनी, उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में कंपनी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां मौजूद होनी चाहिए। अब वो जानकारियां किस तरह की हो सकती हैं, कुछ हमने लिखी हैं। फर्स्ट, ऑल असेट्स विथ नेगोशिएबल सिक्योरिटीज, सभी तरह की संपत्तियों की, सभी तरह की आस्तियों की जानकारी उस स्टेटमेंट के अंदर होनी चाहिए, कंपनी से जुड़ी हुई जो भी ऐसी आस्तियां हैं। लायबिलिटीज क्रेडिट डिटेल्स, कंपनी की देनदारियां, कंपनी की जिम्मेदारी, कंपनी के ऋण की संपूर्ण जानकारी उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में होनी चाहिए। एंड द थर्ड इज नेम एंड अदर डिटेल्स ऑफ क्रेडिटर्स, ऐसे ऋणदाताओं के नाम और उनसे जुड़ी हुई आवश्यक जानकारियां उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ क्रेडिट गिवन बाय कंपनी, कंपनी के ऋणदाताओं के अलावा कंपनी भी ऋण देती है, तो
ऐसा जो ऋण कंपनी ने दिया है उसकी जानकारी भी उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में होनी चाहिए। यदि कंपनी ने कोई ऋण दिया है तो उसकी जानकारी भी इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में होनी आवश्यक है। एंड द नेक्स्ट इज नेम एंड अदर डिटेल्स ऑफ कंपनी, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर्स, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स और भी इस तरह की अन्य जानकारियां जो आवश्यक है वो उस स्टेटमेंट में होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज एनी अदर डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, और अन्य कोई वित्तीय जिम्मेदारी अगर कोई है तो उसकी जानकारी भी उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में होनी चाहिए। इफ फेल इन सबमिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यदि कोई कंपनी इस तरह का विवरण पत्र जो कंपनी के कार्यकलापों से जुड़ा हुआ है उसके बारे में ट्रिब्यूनल को बताने में या इस तरह का स्टेटमेंट फाइल करने में फेल हो जाती है तो इस तरह के वायलेशन पर कंपनी डायरेक्टर्स या उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको 6 मंथ तक के इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है, 6 माह तक के, और 25,000 से लेकर न्यूनतम 25,000 से लेकर 5,00,000 तक का जो फाइन है कंपनी पर इम्पोज किया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा कि क्या क्या डायरेक्शंस हैं एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जारी करने में जो कि परम आवश्यक है कंपनी के परिसमापन के लिए। अब हम चलते हैं, पर्सन एंटाइटल टू बी हियर्ड इन अ वाइंडिंग अप पिटीशन। जब कंपनी के परिसमापन का आवेदन किया गया है तो उस आवेदन पर सुनवाई का अधिकार उससे जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का है, मतलब कंपनी अधिकरण सुनवाई का अवसर उस आवेदन से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को देगा, ऑल पर्सन्स रिलेटेड। एंड द नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ फाइंडिंग अप, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 357 में है। कंपनी के वाइंड अप का कमेंसमेंट कब होगा, कंपनी के परिसमापन की प्रारंभिकता क्या होगी, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश से ही नहीं बल्कि ऐसा आवेदन फाइल करने पर, ऐसी पिटीशन फाइल करने पर, ऐसा आवेदन कर देने के बाद से कंपनी के वाइंड अप का कमेंसमेंट हो जाता है, कंपनी का परिसमापन प्रारंभ हो जाता है। नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इट शेल फ्रॉम द टाइम ऑफ पिटीशन, जो पिटीशन है वो फाइल करने के साथ ही ऐसे परिसमापन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाती है। रिसेशन ऑफ ऑर्डर, कंपनी ने परिसमापन का ऐसा कोई आदेश या परिसमापन से जुड़ा हुआ कोई आदेश जारी किया है लेकिन ऐसा आदेश जारी करने में कोई त्रुटि हो गई है या ऐसा आदेश गलती से जारी हो गया है तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऐसे आदेश को रद्द कर सकता है, वापस ले सकता है, जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 443 में बताया गया है। एंड द नेक्स्ट इज स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप। क्या एक बार परिसमापन कार्यवाही शुरू होने के बाद या परिसमापन शुरू होने के बाद में उसे रोका जा सकता है? हाँ, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 279 में बताया गया है कि उसके लिए ठहराव लाया जा सकता है, स्टे लाया जा सकता है, और ऐसे ठहराव के आवेदन पर सुनवाई कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को 60 दिनों के भीतर कर देनी चाहिए, विद इन 60 डेज इसके ऊपर हियरिंग हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फाइंडिंग अप ऑर्डर। कंपनी के
परिसमापन या कंपनी के परिसमापन के आदेशों का परिणाम क्या हो सकता है जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 277 में बताया गया है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया है या लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है तो ऐसी सूचना कंपनी और कंपनी रजिस्ट्रार के पास में विद इन 7 डेज और अगर कोई परिसमापक नियुक्त किया गया है तो उस परिसमापक के पास में भी 7 दिनों के भीतर इसकी सूचना पहुंच जानी चाहिए। परिसमापक की नियुक्ति के बाद में या आदेशों के क्रम में यदि कोई कमेटी बनाई जाती है या परिसमापक नियुक्त किया जाता है तो कुछ परिणाम हैं जो इस परिसमापन के संभव हो सकते हैं। फर्स्ट, यू लूज योर कंट्रोल। जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनका नियंत्रण उस कंपनी से चला जाता है और वो जो नियंत्रण है वो परिसमापक के पास में चला जाता है, कंपनी ट्रिब्यूनल के पास में चला जाता है। उनका अब उस कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। द सेकेंड इज द डायरेक्टर्स आर डायरेक्टर्स इन नेम ओनली। ऑब्वियस है, जब उनके अधिकार शक्तियां छीन ली जाती है, जब उनकी शक्तियां छीन ली जाती है, उनका कोई कंट्रोल कंपनी के ऊपर नहीं रहता है तो वो सिर्फ एक नाम मात्र के निदेशक कंपनी के रह जाते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऑल ऑफ असेट्स विल बी सोल्ड टू पे डेब्ट। कंपनी की जिम्मेदारियां, कंपनी के ऋण या कंपनी के वित्तीय पूर्ति कंपनी की आस्तियों से की जाती है। कंपनी के आस्तियां बेचकर इस तरह के ऋण को या इस तरह के वित्त को चुकाया जाता है। द डायरेक्टर्स में स्टिल अवे फॉर पर्सनल गारंटी। इतना होने के बाद भी जो निदेशक है वो इसके लिए गारंटी रखते हैं, जो वित्तीय पूर्ति कंपनी को करनी है उसकी गारंटी जो है उसके निदेशकों की बनी रहेगी। गवर्नमेंट रेगुलेशंस में स्टॉप यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर प्रोफेशन। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, क्या ऐसे परिसमापन की कार्रवाई शुरू होने पर या ऐसा परिसमापन हो जाने पर उसका परिणाम हो सकता है कि आपको ऐसा व्यवसाय प्रारंभ करने में कुछ कैप देना हो, मतलब एक समय तक आप वो व्यवसाय प्रारंभ ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, 3 साल तक आपको अपना प्रोफेशन कंटिन्यू रखने से जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अपने आदेशों के माध्यम से रोकता है, केंद्र सरकार ऐसे आदेशों के पालन करती है या ऐसे आदेश दिए जाते हैं तो आप एक निर्धारित समय तक इस तरह का व्यवसाय जो है प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, जो अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। अधिकरण का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, एक कंपनी के लिए उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा या कंपनी से जुड़े हुए वादों के लिए उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 280 में बताया गया है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी अधिकरण इस तरह के मामलों को डिस्पोज कर सकता है, जैसा कि फर्स्ट, एनी सू और प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट, कंपनी के द्वारा या कंपनी के विरुद्ध लाए गए वादों पर अधिकार क्षेत्र जो रखता है हमारा कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रखता है। सेकंड इज एनी क्लेम मेड बाय और अगेंस्ट, कंपनी के विरुद्ध या कंपनी की तरफ से ऐसा कोई क्लेम लाया जाता है, ऐसा कोई दावा लाया जाता है तो उसका अधिकार क्षेत्र, उसका ज्यूरिडिक्शन जो है अधिकरण रखता है। एनी एप्लीकेशन मेड फॉर कॉम्प्रोमाइज और
अरेंजमेंट विथ क्रेडिटर्स अंडर सेक्शन 233। सेक्शन धारा 233 के अंदर कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उनके द्वारा कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाता है या इस तरह का कोई अरेंजमेंट किया जाता है तो उस पर सुनवाई का अधिकार भी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का ही होगा। एनी स्कीम सबमिटेड अंडर सेक्शन 262, ऐसी कोई स्कीम सबमिट की गई है जो कि धारा 262 के अंदर हो सकती है, जैसे रिवाइवल ऑफ सिक कंपनीज, पुनरुद्धार जो रुग्ण कंपनियां हैं, जो कंपनियां बीमार हो चुकी हैं उन्हें पुनः शुरू करना हो, इस तरह के आवेदन पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र भी है जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का ही है। एंड एनी क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज, प्रायिकताओं का ऐसा कोई क्वेश्चन, वेदर ऑफ लॉ और फैक्ट, ऐसा कोई क्वेश्चन विधि के लिए भी हो सकता है या तथ्य से जुड़ा भी हो सकता है, विच में रिलेट टू असेट्स, उसकी आस्तियों से जुड़ा हो सकता है, बिजनेस से जुड़ा हो सकता है, एक्शन से जुड़ा हो सकता है, उसके राइट्स अधिकारों से जुड़ा हो सकता है, उसके प्रिविलेजेस से जुड़ा हो सकता है, बेनिफिट्स, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, और अराइज इन कोर्स ऑफ द वाइंडिंग अप, इन सभी का जो अधिकार क्षेत्र है वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उस पर अपना ज्यूरिडिक्शन रखता है, ये एक अधिकरण का अधिकार क्षेत्र है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि कौन अप्लाई कर सकता है, अधिकरण की शक्तियां क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है, कंपनी के परिसमापन के बाद की कार्यवाही क्या है, क्या उस पर स्टे लाया जा सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या होंगे, और अधिकरण का अधिकार क्षेत्र ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक इट ऑल्सो। थैंक यू। सेंट विल्फ्रिड कॉलेज ऑफ लॉ, सेक्टर 10, मीरा मार्ग, मध्यम मार्ग, जयपुर, राजस्थान।